गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मु मोनालिसा ओराम देवकरण विद्यापीठ लाठीकटार विज्ञान शिक्षयित्री जिला शिक्षा अधिकारी सुंदरगढ़ कार्यालय स्थित वर्चुअल स्टूडियो लाइव क्लास रे आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। आज नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान विषय चतुर्थ अध्याय परमाणु गठन विषय आम मैंने पढ़ा जाऊ। परमाणु गठन बोर परमाणु मॉडल विषय आम आज पढ़ा। तेबे चालो पिले स्मार्ट बोर्ड को बोर को परमाणु मॉडल विषय पढ़ा पूर्व आम मैंने रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल विषय सम्यक आलोचना करिबा। रदरफोर्ड कर जो परमाणु मॉडल से कौन करथिले पिले रदरफोर्ड ना से अल्फा कणिका को कौन करथिले गोटे सुना पातिया मध्य निक्षेप करैथिले। जेते बडे से अल्फा कणिका कौन पिले ना द्वि युक्तात्मक हीलियम चार्ज को से सुना पातिया मध्य निक्षेप कले। जेते बडे से हीलियम कणिका को ए जो सुना पातिया मध्य निक्षेप कले सेते बडे से कौन देखिले पिले ना किछि अल्फा कणिका ए सुना पातिया को मध्य देखी प्रवेश करि जाउछि। ओ किछि ए जो अल्फा कणिका सुना पातिया पाख को जाई ता दिग को बंकेई जाउछि। ओ किछि सुना जो ओ किछि अल्फा कणिका कोन करूछि ना से जो दिग रे आसिले ठीक ता विपरीत दिग रे फेरी आसुछंती। ताहेले एपरि काहे कि हेला पिले रदरफोर्ड कहिले सिद्धांत देले निश्चित भाव रे अमर कोन परमाणु भितरे युक्तात्मक चार्ज अछि तेणु करि जो अल्फा कणिका गुडी को तांको दिग को बंकेई जाउछंती। ओ किछि जो अल्फा कणिका आमर परमाणु मध्य देखी प्रवेश करि जाउछंती माने आम परमाणु मध्य रे अनेक फांका स्थान रही अछि तेणु करि अल्फा कणिका गुडीक कोन करछंती पिले ना सुनापत्य मध्य देखी प्रवेश करि जाउछंती। ओ किछि अल्फा कणिका कोन होछि से जो दिगरु आसी थाए ठीक ता विपरीत दिगकु ही फेरी जाय। एपरि काहे कि हुए पिले जो परमाणु मध्य रे थिबा युक्तात्मक चार्ज ओ तार वस्तुत्व खूब कम स्थान अधिकार करिछि तेणु करि ए जो अल्फा कणिका जो दिगरु आसीथिले ठीक ता विपरीत दिगकु ही फेरी जाय। तापरे आमर रदरफोर्ड कोन सिद्धांत देले पिले जे आमर ए जो परमाणु मध्य रे गोटे युक्तात्मक चार्ज कणिका रही अछि ताहाको न्यूक्लियस बोली कहा जाउछि। ओ ही न्यूक्लियस चारि पाखरे अनेक इलेक्ट्रॉन गुडी को घूरी बुलुछन्ति। ओ ए जो न्यूक्लियस वस्तुत्व वस्तुत्व बहुत खूब कम परमाणु मध्य न्यूक्लियस खूब कम स्थान अधिकार करी एवं से कौन कहले किंतु ये रदरफोर्ड मॉडल रे कौन त्रुटि रही गला बोले से जो कहले कि इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस चारिपाखे कुंडलायित भाव में घूरवा समय त्वरण सृष्टि करते बड़े इलेक्ट्रॉन गुड़िक जो न्यूक्लियस चारिपाखे घूरवा समय त्वरण सृष्टि करेंगे निश्चित भाव से शक्ति ह्रास शक्ति विकिरण कर इलेक्ट्रॉन गुड़िक शक्ति विकिरण करने फल कौन हम पिले ना न्यूक्लियस चारिपाखे कुंडलायित भाव में घूरी घूरी आसी से न्यूक्लियस मिसी जाती जहाँ हवा फल वस्तुत्व स्थायित्व रही आम वस्तुत्व को जो वस्तुत्व जो अवस्था थी ता परवर्त समय से अवस्था रही तेणुकरी तांकर यही त्रुटि को सुधार करने नील्स बोर एक नुआ परमाणु मॉडल तैयारी करते जहाँ को बोर परमाणु मॉडल बोली कहा जाए। तेरे चलो पिले बोर परमाणु मॉडल विषय देखा। नील्स बोर से होंगे डेनमार्क जड़े वैज्ञानिक से 7 अक्टोबर 1885 मसीह जन्मग्रहण करते 1961 मसीह कोपेनहागन विश्वविद्यालय पदार्थ विज्ञान प्रोफेसर भाव से निजुक्ति पाई 1922 ना ये परमाणु गठन विषय कार्य पदार्थ विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार मिलता से अनेक पुस्तक रचना करमाणु मॉडल बोर परमाणु मॉडल रदरफोर्ड परमाणु मॉडल सहित अनेक सामंजस्य अछि। ताहेले ई जो बोर परमाणु मॉडल आमर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल सहित अनेक सामंजस्य थिला। बोर मध्य कहिथिले परमाणुर एक युक्तात्मक केन्द्रस्थळी थाए जहाकु न्यूक्लियस बोली कहा जाए। आमे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़िबा समय रे आमे जानिछे
ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆମର ପରମାଣୁର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୋର୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଦେଲେ ସେଠାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପରମାଣୁର ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ହିଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାନ୍ତି। ବୋର୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ହିଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାନ୍ତି। ବୋର୍ ତାଙ୍କ ନୂଆ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ସପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ସ୍ୱୀକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ମଡେଲରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର କରିପାରିଥିଲା। ଏବେ ଚାଲ ପିଲେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱୀକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ତାହେଲେ ବୋର୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରୁଥିଲା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେହି କକ୍ଷପଥକୁ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରଦରଫୋର୍ଡ କ'ଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ସୁଧାର କରିଯାଇ ଆମର ନିଲ୍ସ ବୋର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହି କକ୍ଷପଥକୁ ଆମେମାନେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷପଥ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷପଥ। ଏବଂ ଏହି କକ୍ଷପଥ ବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଠାରେ ବୋର୍ଙ୍କର ସେ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷପଥ ମାନେ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷଟି ହେଉଛି କେ ସେଲ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷପଥ ହେଉଛି ଏଲ୍ ସେଲ୍, ତୃତୀୟ କକ୍ଷପଥ ହେଉଛି ଏମ୍ ସେଲ୍ ଓ ଚତୁର୍ଥ କକ୍ଷପଥ ହେଉଛି ଏନ୍ ସେଲ୍। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଏହି କକ୍ଷପଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଇ ଯୋଉ କକ୍ଷପଥ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏନର୍ଜି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, 1932 ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜେମ୍ସ ଚାର୍ଡୱିକ୍ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନୂତନ କଣିକାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯାହା ନାମ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଓ ଏହି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜ ବିହୀନ କଣିକା ଏବଂ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରୋଟନ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଆଉ 1932 ଜେମ୍ସ ଚାର୍ଡୱିକ୍ ଗୋଟେ ନୂତନ କଣିକାର ନାମ ଦେଲେ ଯାହା ନାମ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବିହୀନ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜ ନଥାଏ ଓ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱଟି ପ୍ରୋଟନ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ'ଣ ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାର କରିବା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କକ୍ଷପଥ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜା,
तुम देखिपुब पे एठारे विभिन्न आमर न्यूक्लियस परमाणु मध्य न्यूक्लियस अच्छी और तार चारिपाखे इलेक्ट्रॉन गुड़िक घूर्णन कर एक परमाणु विभिन्न कक्षपथर इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपरी बांटी हो रही था से विषय वैज्ञानिक बोर और बरी प्रस्ताव देते से कहले जे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस चारिपाखे इलेक्ट्रॉन गुड़िक घूर्णन करु से घूर्णन करने निश्चित गोटे से गोटे प्रस्ताव देले जे इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस चारिपाखे गोटे निर्दिष्ट कक्ष से रही था क्यों कक्ष में केतोटी इलेक्ट्रॉन रही से विषय में बोर और बोरी प्रस्ताव देते से बोर और बोरी जो प्रस्ताव अनुजाई जो कक्षपथ मध्य क्यों कक्ष में केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पिले कौन सी सेल रे सर्वाधिक 2n स्क्वायर रही आमर इलेक्ट्रॉन रहिबो ताहले जो बोर ओ बोरिंग को अनुजाई गोटे कक्षपथरे सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले 2n स्क्वायर टी इलेक्ट्रॉन ही रही पारिबो एन जोठी एन होची शक्ति स्तर मानकर सूचनांक सेठे एन कौन पिले शक्ति स्तर मानकर सूचनांक से कक्षपथ एक रे अछि कि कक्षपथ दुई रे अछि कि कक्षपथ तीन रे अछि ओ एही नियम अनुसार नियम अनुसार प्रथम कक्ष बा के सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले 2n स्क्वायर अनुजाई के सेल रे आमर 2 × 1 रो स्क्वायर दुईटी इलेक्ट्रॉन रहिबो सेही परि द्वितीय कक्ष बा एल सेल रे आमर केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले 2n स्क्वायर अनुजाई 2 × 2 रो स्क्वायर 8टी इलेक्ट्रॉन रहि पारिबो सेहीपरी तृतीय कक्ष बा एम सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा पिले 2 × 3 रो स्क्वायर 18 18टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो एवं चतुर्थ कक्ष बा एम सेल रे आमर केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा पिले 32टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो तेबे पिले माने निश्चित भाव रे तमे बुझी पारिथिबो जे आमर से कोन कहिले जे न्यूक्लियस चारि पाखरे इलेक्ट्रॉन गुडी को निर्दिष्ट कक्ष रे घुरुछंती ओ से माने निर्दिष्ट कक्ष रे घुरिबा समय रे से मानंकर केउ स्तर रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो ताहा मध्य आमे माने ए 2n स्क्वायर अनुजाई आमे माने ताकु बाहर करि पारिबा प्रथम कक्ष के सेल रे आमर केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले 2टी इलेक्ट्रॉन रहिबो ठीक सेमिति एल सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले 2n स्क्वायर अनुजाई 8टी इलेक्ट्रॉन रहिबो ठीक सही परी तृतीय कक्ष बा एम सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा पिले आमर 18टी इलेक्ट्रॉन रहिबो एवं एन सेल बा चतुर्थ कक्ष रे आमर 32टी इलेक्ट्रॉन रहिबो मु भाबुची एटा तमे बुझी पारुथबो द्वितीय से कौन कहले ना बाह्यतम कक्ष रे सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो ए जो तांकर द्वितीय बोर और बोरिंग द्वितीय नियम अनुजाई गोटे परमाणु बाह्यतम कक्ष रे सर्वदा 8टी ही इलेक्ट्रॉन रही पारिबो अर्थात गोटे परमाणु तृतीय कक्षटी जदि बाह्यतम कक्ष हुए तेबे सेथिरे 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारिबो नाही सेहीपरी जदि चतुर्थ कक्ष जदि बाह्यतम कक्ष हुए गोटे परमाणु तेबे सेठारे 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारिबे नाही सेटा जदि आमे चित्र माध्यम रे दसेबा जदि भाबिन एटा होछन परमाणु जदि एल हैला ए जो गोटे परमाणु रो बाह्यतम कक्ष तेबे एल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो पिले 8टी जदि तार कक्षपथ केते हुए द्वितीय कक्षपथटी जदि हुए जदि तृतीय कक्षपथटी तृतीय कक्षपथ केते हेबो पिले के एल एम तृतीय कक्षपथ केते हेबो के एल एम तेबे तृतीय कक्षपथ रे के सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो पिले 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो सेही परी जदि आमर चतुर्थ कक्ष जदि बाह्यतम कक्ष हेबो बा आमर कोडा एम सेल हेबो तेबे सेठारे केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो पिले 8टी ताठारु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारिबो नाही संयोजक इलेक्ट्रॉन ये कोनोसी परमाणु रो बाह्यतम कक्ष रे जेतोटी इलेक्ट्रॉन रही थाए ताहाकु ही संयोजक इलेक्ट्रॉन बोली कहा जाए
जदि गोटे परमाणुर बाह्यतम कक्ष रे जदि दुईटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले तेबे ताकु कोण कह जिवो पिले दुई होउछि तार संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक सेहीपरी जदि गोटे परमाणुर बाह्यतम कक्ष रे जदि गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला तेबे तार संयोजक इलेक्ट्रॉन कोण हे जिवो पिले तार संयोजक इलेक्ट्रॉन हबो 1। देख पिले आमे जानिछु जे परमाणुर बाह्यतम कक्ष रे 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारिबो नाही। आमे माने कोन पढिले पिले जे गोटिए इलेक्ट्रॉन रे सॉरी गोटे परमाणुर बाह्यतम कक्ष रे 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारिबो नाही। जेउ मौलिक मानंकर परमाणुर बाह्यतम सेल रे सर्वाधिक अर्थात संपूर्ण मात्रार इलेक्ट्रॉन रही थाए सेगुड़िक प्राय निष्क्रिय और सेमानंकर संयोजना बा योज्यता हेउछि शून्य। आमे माने ए जो किपरि भावरे इलेक्ट्रॉन गुड़िक परमाणु मध्यरे सज्जीकरण हे रहुछंती बा बांटी होइ रहुछंती सेइ बोर बोरिंग को प्रस्ताव अनुसार आमे जानिथिले कि गोटिए परमाणुर बाह्यतम कक्षरे केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो बोले आमे 2n² अनुसार आमे बाहर करथिले पिले तेबे के सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो पिले 2टी एल सेल रे केतोटी रही पिले 8टी एम सेल रे केते रही पिले 18टी ओ एन सेल रे केते रही पिले 2टी। ताले से कौन कहूँ ना जो मौलिकर परमाणुर बाह्यतम सेल रे सर्वाधिक अर्थात संपूर्ण मात्रा रे इलेक्ट्रॉन थाए से गुड़क आम निष्क्रिय कहवा जदि गोटे परमाणुर परमाणु क्रमांक जदि 2 हुए तेबे निश्चित भाव तो जिते बड़े इलेक्ट्रॉन संरचन करवा से इलेक्ट्रॉन टी कौ सेल रिले के सेल रे तेबे निश्चित भाव तार जो बाह्यतम कक्ष रे जेतिकी इलेक्ट्रॉन रहिबा आवश्यक सेतिकी इलेक्ट्रॉन अछि तेबे आमे यहाँ कौन कही पारिबा पिले सही परमाणु को आमे निष्क्रिय परमाणु बोली कही था। आशा पिले से विषय रे जानिबा निष्क्रिय मौलिक मध्य प्रथमटी हेला हीलियम जोटा मु एबे कहुतली जदि गोटिए परमाणु रो जदि परमाणु क्रमांक 2 हीलियम रो परमाणु क्रमांक केते पिले 2 तेबे तहार इलेक्ट्रॉन संरचना कोन हे जीव पिले 2 तेबे एटा जदि 2 हेला तेबे के सेल रे सर्वाधिक केतेटी इलेक्ट्रॉन रहिबो 2टी इलेक्ट्रॉन रहिबो जेते बेले तार बाह्यतम कक्ष सर्वाधिक बा संपूर्ण मात्रा रे रहिले ताहाकु आमे निष्क्रिय बोली कहिथा। ताले आमर हीलियम होउछि गोटे निष्क्रिय परमाणु जहार बाह्यतम कक्ष रे 2टी इलेक्ट्रॉन अछि। सेमिति आउ को मौलिक अछन्ति जो माने निष्क्रिय मौलिक नियन ओ आर्गन आउ 2टी निष्क्रिय मौलिक हेले नियन ओ आर्गन ताहले को तांको बाह्यतम कक्ष रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहितो पिले सर्वाधिक बा संपूर्ण मात्रा रे। ताले देखो पिले तमर नियन रो इलेक्ट्रॉन संरचना होउछि 2 नियन रो परमाणु क्रमांक केते पिले 10 जदि नियन रो परमाणु क्रमांक जदि 10 हुई त जदि बडे आमे इलेक्ट्रॉन संरचना करिबा तेबे तार इलेक्ट्रॉन संरचना कोन हो पिले 2O8। ताहले एबे मते कुहो जे आमर ए जो नियन रो बाह्यतम कक्ष रे जेतिके इलेक्ट्रॉन रहिबा कथा इलेक्ट्रॉन रही अछि तेबे जदि गोटे परमाणुर बाह्यतम कक्ष रे जेतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा आवश्यक जदि सेतिकी इलेक्ट्रॉन थाए तेबे ताहाकु आमे कोन कहिथाउ पिले ताहाकु आमे निष्क्रिय मौलिक बोली कहिथाउ। तेहिपरि आमर अन्य एक परमाणु हेला कोटा आर्गन आर्गन रो जो देखुथिबो इलेक्ट्रॉन संरचना होउछि 2 8 18 तेबे पिले आर्गन रो परमाणु क्रमांक केते अछि 18। तुम मन निश्चित भाव प्रश्न उठुव आम किपर जानवा परमाणु क्रमांक के तार इलेक्ट्रॉन संरचना किपर होता है आम मैंने आउ गोटे स्लाइड से देखा तो देख पिले आर्गन कौन हूँ ना तार परमाणु क्रमांक है 8 तेज तार इलेक्ट्रॉन संरचना कौन हो 2 8 8 तार बाह्यतम कक्ष सर्वाधिक जीक रवश्यक से अच्छी तेबे ताको कोण को इटा ऑक्टेट नियम पालन करूछि कोण पै पिले ता बाह्यतम कक्ष रे केतेटी इलेक्ट्रॉन अछि 8 इलेक्ट्रॉन अछि। एटा मध्ये आमे देखिबा जे कोनोसी परमाणु रो बाह्यतम कक्ष रे जदि 8टी इलेक्ट्रॉन रहिबो तेबे ताको कोण कह जाय ऑक्टेट स्थिति बोली कुहा जाय। आमे ठर दीटा जानिले पिले जे गोटिए परमाणु रो बाह्यतम कक्ष रे जदि संपूर्ण इलेक्ट्रॉन रही अछि जेमते हमर हीलियम हीलियम रो परमाणु क्रमांक 2 तेबे तहार इलेक्ट्रॉन संरचन रे बाह्यतम ए जो बाह्यतम जो कक्ष रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो 2टी इलेक्ट्रॉन रहिबो
तेबे हीलियम हेला गोटे निष्क्रिय आउ केमते हम निष्क्रिय हेई परिबा पिले ना कोनोसी परमाणु जदि बाह्यतम कक्ष 8 रहिला जेमिति कि नियन रो बाह्यतम कक्ष रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिला पिले 8 टी इलेक्ट्रॉन रहिला ओ आर्गन रो बाह्यतम कक्ष रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिला पिले 8 रहिला तेबे जहार जे परमाणु रो बाह्यतम कक्ष रे 8 टी इलेक्ट्रॉन रहिला ताहा को हमें कोन कहा जाय पिले ऑक्टेट स्थिति बोली कुहा एडी पिले देखो तमे माने देखि पारथो विभिन्न परमाणु मानंकर नाम दिया हिछि एवं एठारे कोन अछि ना तार विभिन्न जो से परमाणु मानंकर तांकर प्रतीक परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या ओ इलेक्ट्रॉन रो बंटन दिया जायछि ताल देखो पिले आमे प्रथमे कोन करबा नै जो परमाणु मानंकर ई जो ना गुडा को आमे माने 18 टी परमाणु गुरु नाटा हम मन रखिबा प्रथम होची कोटा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ओ आर्गन ताहिले पहले सब बेले मन रखिबो गोटिए मौलिकर परमाणु क्रमांक जेतिकी थाय तार प्रोटॉन संख्या ओ इलेक्ट्रॉन संख्या मते ता सहित सम जदि मु कहिबे हाइड्रोजन परमाणु रो परमाणु क्रमांक जदि एक हुए तेबे सेठारे केतोटी प्रोटॉन रहि पारिबो पिले एक ओ सेठारे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले एक सही परी जदि मु कहिबी हीलियम रो परमाणु क्रमांक 2 तेबे सेठारे केतोटी प्रोटॉन रहिबो पिले 2टी प्रोटॉन रहिबो एवं सेठारे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो पिले 2टी इलेक्ट्रॉन रहिबो जदि मु कहिबी लिथियम रो परमाणु क्रमांक 3 तेबे सेठारे केतोटी प्रोटॉन रहिबो पिले 3टी प्रोटॉन रहिबे ओ केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबे पिले 3टी इलेक्ट्रॉन रहिबे ओ आमे माने एहा पूर्वरु कोण पढ़िथिले पिले जे हाइड्रोजन परमाणु रे न्यूक्लियस रे कोण नथाय न्यूट्रॉन नथाय ताले तमे देखि पारुथबो हाइड्रोजन परमाणु रे न्यूट्रॉन नाही ठीक अछि पिले एबे आमे देखिबा आमे जो पढ़िले कोण पढ़िथिले जो तार निष्क्रिय जहा को आमे पढ़िथिले ताले देखो पिले हाइड्रोजन कोण अछि ना तार परमाणु क्रमांक 1 प्रोटॉन संख्या मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन संख्या मध्ये 1 सेमिति देखो ताल मते कहो पिले के सेल रे हाइड्रोजन को आउ केते इलेक्ट्रॉन आवश्यक हेले तार बाह्यतम कक्ष टी जति कि रहिबा आवश्यक सेति कि हबो निश्चित भाबरे तमरो उत्तर थिबो आउ आउ एक जदि से कहा तो धारणिला तबे निश्चित भाबरे कोन हबो के सेल टी संपूर्ण भाबरे हे जिवो हैला सेम देखो पिले तमरो हीलियम हीलियम रो परमाणु क्रमांक केते पिले 2 प्रोटॉन संख्या 2 एवं इलेक्ट्रॉन संख्या मध्ये 2 जदि ताको हम इलेक्ट्रॉन रो बंटन करिबा 2n स्क्वायर अनुजाय कि केउ कक्षपथ रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो ताहेले सेई अनुजाय इलेक्ट्रॉन रो बंटन कले हीलियम रो के सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन आसीबे पिले 2टी इलेक्ट्रॉन आसीबे एवं 2 हे जिवो हमर हीलियम रो बाह्यतम कक्ष ताहेले एबे देखो पिले हाइड्रोजन ओ हीलियम एबे कह कौन हाइड्रोजन रो बाह्यतम कक्ष टी संपूर्ण अछि कि निश्चित भाव रे तमरो उत्तर आसीब ना हाइड्रोजन रो बाह्यतम कक्ष संपूर्ण नाही किंतु देखो पिले हीलियम रो बाह्यतम कक्ष कौन अछि संपूर्ण अछि तेणु करि हीलियम होउछि गोटे निष्क्रिय मौलिक ताहले हीलियम कौन अटे पिले हीलियम होउछि गोटे आमे निष्क्रिय मौलिक जोटा एबे आमे किछि समय पूर्वरु पढिले नहीं कि आमे कौन पढ़िले पिले ना गोटिए परमाणु रो बाह्यतम कक्ष रे जेतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा आवश्यक तो संपूर्ण मात्रा जति कि इलेक्ट्रॉन रहिबा आवश्यक यदि सेति कि इलेक्ट्रॉन अछि तेबे ताहा को आमे निष्क्रिय मौलिक बोली कहिबा एवं एबे मते कहो पिले ताकु कोनोसी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता अछि कि ना ना कहा ठरु ताकु इलेक्ट्रॉन रा आवश्यकता अछि ना से कोनोसी इलेक्ट्रॉन कहा को देबो तेबे तार योज्यता एठी कोन आसीबो पिले मन रखो तार एठी योज्यता आसी जीवो 0 ए जगह रे गोटे योज्यता रा गोटे करि देबा तार योज्यता हे जीवो 0 सेमिति पिले देखो लिथियम
यार परमाणु क्रमांक केते पिले तीन मुकहितली तार परमाणु क्रमांक सहित प्रोटॉन संख्या समान होता एवं परमाणु मध्यरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या मध्य समान जदि लिथियम रो परमाणु क्रमांक तीन प्रोटॉन संख्या केते हबो पिले तीन इलेक्ट्रॉन संख्या केते छि पिले तीन तेबे जदि आमे ताकु ए जो क्यों कक्षपथरे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो जे के एल एम एन आकार जदि सजेबा 2n स्क्वायर रे तेबे लिथियम रो इलेक्ट्रॉन रो बंटन किपर हिबो पिले 2 ओ 1 जदि यदि इलेक्ट्रॉन रो बंटन 2 ओ 1 हुए ताले कुह पिले एल सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा आवश्यक 2n स्क्वायर अनुसार निश्चित भाबरे तमोर उत्तर थिबो 8 टी किंतु मते कुह कौन लिथियम रे 8 टी इलेक्ट्रॉन अछि कि निश्चित भाबरे 8 टी इलेक्ट्रॉन नाही किंतु आमे माने जानी छे कौन जानी छे ना समस्त जो परमाणु गुड़ी को कौन चाहि थाई पिले ना निजो पाखरे थिबा इलेक्ट्रॉन को सब बड़े कौन चाहे तार जो बाह्यतम कक्ष सर्वदा संपूर्ण था किंतु जो परमाणु मानंकर बाह्यतम कक्ष संपूर्ण न था ऐसे कौन करे पिले गोटे पाखरे थिबा इलेक्ट्रॉन को त्याग करे ऑक्टेट नियम अनुसार ता पाखरे थिबा इलेक्ट्रॉन को त्याग करे किंबा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिकु निजर बाह्यतम कक्ष को सर्वाधिक 8 किंबा संपूर्ण रखिबा को चेष्टा करिथे एवं सेई नियम अनुसार कि आमर जो लिथियम रो बाह्यतम कक्ष रे 2n स्क्वायर अनुसार एल रे केते रहिबा आवश्यक 8 किंतु एठार केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि पिले गोटी इलेक्ट्रॉन अछि ताहेले लिथियम कोन करिवो पिले से 7टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिवो नचेत गोटी इलेक्ट्रॉन त्याग करिवो तमे निश्चित भाबरे कहिवो निश्चित आमे बेरिलियम रो बाह्यतम कक्ष को 8 करिवा को जाय आमे 7टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करि पारिबा किंतु ना 7टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिबा अपेक्षा परमाणु ता पाखरे थिबा गोटी इलेक्ट्रॉन को त्याग करिबा सहज भाबे तेणु करी एहार योज्यता कोन हे जीव पिले एक काहे कि से कोन करिवो गोटी इलेक्ट्रॉन को त्याग करि कि तार बाह्यतम कक्ष को केते रखे चेष्टा करिवो 2 ओ से केउ परमाणु रो इलेक्ट्रॉन संरचना पाख को जीव पई चेष्टा करिवो लिथियम तार पाखरे थिबा मौलिक निष्क्रिय परमाणु सहित समान हेबा को चेष्टा करिवो ओ तार योज्यता हे जीव पिले एक सेहीपरि बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 प्रोटॉन संख्या 4 एवं सेमानकर इलेक्ट्रॉन संख्या मध्य 4 तेबे ताहाकु जदि आमे के एल एम एन जदि स्तर रे बांटिबा तेबे पिले से तार इलेक्ट्रॉन बंटन कोन हेबो पिले 2 2 के सेल रे रहिला 2 एल सेल रे रहिला 2 किंतु ऑक्टेट नियम अनुसार एल सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा आवश्यक पिले एल सेल रे इलेक्ट्रॉन रहिबार अछि केतेटी 8 टी किंतु बेरिलियम कोन 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिबा तको सहज हबो ना 2टा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करिकि से हीलियम मौलिक निष्क्रिय सहित समान हेबा पई चेष्टा करिवो निश्चित भाबरे तमोर उत्तर थिबो 2टी इलेक्ट्रॉन त्याग करिबा तको सहज हबो तेबे बेरिलियम रो योज्यता कोन हे जीवो पिले 2 ठीक सेही परि अमर बोरन परमाणु क्रमांक 5 इलेक्ट्रॉन संख्या 5 और प्रोटॉन संख्या मध्य 5 तेबे ताहाकु जदि आमे इलेक्ट्रॉन बंटन के एल एम एन रे करिबा के कक्ष रे केते रहिबो एल कक्ष रे केते रहिबो पिले तेबे तार संरचना कोन हि जीव पिले 2 ओ 3 एबे पुणी थरे से प्रश्न उठिला तेबे एबे मते कुह पिले बोरन रो योज्यता केते हेबो पिले काहे कि तार बाह्यतम कक्ष केते करिवार अछि 8 तम कहुथिबा निश्चित भाबरे 5 ग्रहण कर देले आमे ऑक्टेट नियम अनुसार जो परमाणु रो बाह्यतम कक्ष को 8 कर देबा काहेकि ना एल सेल रे केते टा इलेक्ट्रॉन रहबा आवश्यक 8 टी किंतु ना पिलु 5 टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करबा अपेक्षा से कोन करिवो तारे 3 टी इलेक्ट्रॉन को त्याग करबा को से सहज भाबिबो तेन करी आम बेरिलियम रो योज्यता केते हिजिव पिले 3 ताहेले मु भाबि पारु छी तमे योज्यता किपरि बाहर करबो तमे सेटा बुझी पारुथिबो तम मन में प्रश्न भी उठुव कहीं आम गोटे इलेक्ट्रॉन को त्याग करुचु कहीं 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूना ठीक अच्छे गोटे छोट गोटे उदाहरण बुझा तुम्हें स्कूल को गला बेले कौन करुच बैग नहीं जाऊ तुम गोटे भल सांग आसिक कह कि तू आज मो बैगटा भी नहीं जा तुम ता बैगटा टेकी दबो दीटा बैग तुम नहीं पार ठीक सेमती तुम देखी तुम सांग मैंने कौन करती पिले आउ कि जन थे तो ए तू मो बैगटा भी नहीं जा सेमती कहीकि तुमको आउ गोटे सांग सहित तुमको बैग देदेला
ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଆଉ ତମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ତମର କେତେଟା ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲା ପିଲେ ସାତଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ଏଇ ସାତଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଟାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ଉତ୍ତର ହେବ ନା ଆମେ ସାତଟି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଟେକିକିରି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯେମିତି ଲିଥିୟମର କଣ ହଉଛି ପିଲେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ତିନି ଏବଂ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବଣ୍ଟନ କଲେ ସେଟା ଦୁଇ ଓ ଏକ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବଣ୍ଟନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯେମିତି ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟୁ ଟେକି ପାରୁନାହ ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ସାତଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ସାତଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହଜ ଭାବିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ ଆୟତ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଅଛି ପ୍ରୋଟନ ଅଛି ତେବେ ଭାବ ପିଲେ ଲିଥିୟମରେ କେତୋଟି ପ୍ରୋଟନ ଅଛି ପିଲେ ତିନୋଟି ପ୍ରୋଟନ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ଆଟ କରିବାକୁ ଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାତଟି ନେଇଗଲି ଏବେ ମତେ କୁହ ପିଲେ ଲିଥିୟମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ହେଇଗଲା ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶଟି ହେଇଗଲା ଯଦି ମୁଁ ସାତଟି ଗ୍ରହଣ କଲି ତାହେଲେ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଆଠଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ କେ ସେଲ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଦଶଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଇଗଲା କଣ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପ୍ରୋଟନ କଣ ଦଶଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଆୟତ କରିପାରିବ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆୟତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତା ସହ ଆମେ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରମାଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଇଯାଏ ସାତଟି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ପରମାଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରନ୍ତି ପିଲେ ବିକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି କଣ ହୁଏ ପିଲେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ସହଜ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ତମର କାର୍ବନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଛଅ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଛଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବଣ୍ଟନ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା କରିବା ତାର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଦୁଇ ଓ ଚାରି ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବ କିମ୍ବା ଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାର୍ବନ କଣ କରେ ପିଲେ ସହଭାଗ କରେ ତାର ଚାରିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମାଣୁର ଚାରୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ସହଭାଗ କରେ ତେଣୁକରି କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଇଯାଏ ଚାରି ସେହିପରି ତମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସାତ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନର ବଣ୍ଟନ କଲେ ତାର କେତେ ହେବ ପିଲେ ଦୁଇ ଓ କେ ଏଲ୍ ସେଲ୍ ରହିବ ପାଞ୍ଚ ତେବେ ଆମେ ଟୁ ଏମ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଅନୁଯାୟୀ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଠଟି ତେବେ ସେ କଣ କରିବ ପିଲେ ସେ ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ନା ପାଞ୍ଚଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହଜ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ତେଣୁକରି ଏହାର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଇଯିବ ତିନି ସେହିପରି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଆଠ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଓ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଠ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବଣ୍ଟନ କଲେ କେ ସେଲ୍ର ରହିଲା ଦୁଇ ଏବଂ ଏଲ୍ ସେଲ୍ର କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବ ପିଲେ ଛଅଟି ଏବେ ତମେମାନେ କୁହ ପିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିପାରିବ ପିଲେ ଆଠଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିପାରିବ ଏବେ ମତେ କୁହ ଯେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଛଅଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ନିଜକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜକୁ ଅପଟେକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ଉତ୍ତର ଥିବ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ତାହେଲେ ଏହାର ଯୋଜ୍ୟତା କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଦୁଇ ଫ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ନ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବଣ୍ଟନ କଲେ କେ ସେଲ୍ ଓ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆସିବ ପିଲେ ଦୁଇଟି କେ ସେଲ୍ରେ ଦୁଇ ଓ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ ସାତ ଆମେ ଟୁ ଏମ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବ ପିଲେ ଟୁ ଏମ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଠଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ପିଲେ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ ଆଟ କରିବାକୁ ସେ କଣ କରିବା ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ନା ସାତଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହଜ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଇଯିବ ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ନିଅନ୍ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦଶ ତେବେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନର ବଣ୍ଟନ କଲେ କଣ ହଉଛି ପିଲେ ଦୁଇ ଆଠ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ପିଲେ ଆଠଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ତେବେ ନା ସେ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନା କାହାଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ଏହାର ଯୋଜ୍ୟତା କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଶୂନ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅପଟେକ୍ ସ୍ଥିତି କରିକି କଣ କରନ୍ତି ପିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ଶୂନ ବା ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶୂନ ଥାଏ ସେମିତି ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଅଛି ଆର୍ଗନ
अठर जार परमाणु क्रमांक हूँ अठर है परमाणु क्रमांक अठर हुए पिले तेज इलेक्ट्रॉन बंटन किपर हे पिले के सेल रे दुईटी एल सेल रे आठटी और एम सेल रे आठटी हुए तेज तार बाह्यतम कक्ष ऑक्टेट नियम अनुजाई के अच्छी पिले आठटी तेरे निश्चित भाव में पिले कौन हम ना से क्या गोटे इलेक्ट्रॉन त्याग कर ना क्या गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर तेज आर्गन हम निष्क्रिय मौलिक जोटा कि समय पूर्व पढ़ी सेमती आउ गोटे क्वेश्चन तुम निजे कह पिले आमर मैग्नेशियम मैग्नेशियम परमाणु क्रमांक केते पिले बार जदि मैग्नेशियम परमाणु क्रमांक बार तेज प्रोटोन संख्या केते पिले बार सेठारे इलेक्ट्रॉन संख्या केते रहिबा पिले बार ताहले ताकु जदि हम इलेक्ट्रॉन रो बंटन करिबा के सेल रे 2n स्क्वायर जे केते 2n स्क्वायर अनुजाई के सेल एल सेल एम ओ एन सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबा पिले 2 8 2 वर्तमान मते कह जे तार बाह्यतम कक्ष को जदि ऑक्टेट नियम अनुजाई जदि 8 करिवार अछि कोन करबा पई पड़िबो पिले निश्चित भाव रे 6 इलेक्ट्रॉन कोन करबा पई पड़िबो ग्रहण करबा पई पड़िबो ओ जदि से निजकु निष्क्रिय करबा पई चाहू छी कोन करबा पई पड़िबो पिले 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे कि से कहार संरचना सहित समान हेबा चेष्टा करबो पिले अमर नियन रो परमाणु इलेक्ट्रॉन संरचना सहित समान हेबा को चेष्टा करे ताहले मते कह पिले मैग्नेशियम आउ 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निजकु ऑक्टेट करबा सुविधा सहज भाविबो ना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके से नियन रो परमाणु संरचना सहित समान निश्चित भाव में तुमर उत्तर आसो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके से नियन रो इलेक्ट्रॉन संरचना सहित समान है निजकु निष्क्रिय करने को चेष्टा कर ताहले कह पिले मैग्नेशियम रो योग्यता केते हेबो पिले मैग्नेशियम योग्यता हे जीव 2 मु भावुची तुम मैंने किपर भाव में परमाणु योग्यता बाहर करवा तुम जापर योग्यता जोटा कहली अणु गठन बेले प्रत्येक परमाणु तहार निकटतम निष्क्रिय मौलिक परमाणु संरचन रहा चेष्टा करे अणु गठन निमन्ते से किसी इलेक्ट्रॉन त्याग करी किसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी अथवा सहभाग करी से माने कौन करती पिले सहभाग होइथांती ओ एहाकु योग्यता बोली कुहा जाय जोटा आमे पढ़िले एबे तमे जानी पारिथिबो किछि परमाणु कोन करुछंती इलेक्ट्रॉन को त्याग करुछंती किछि परमाणु माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करुछंती ओ किछि परमाणु कोन करुछंती सहभाग करुछंती ओ से जो जेतिकि इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण बा सहभाग करंती ताहाकु ही योग्यता बोली कुहा जाय सेन देखो पिले सोडियम सोडियम बाह्यतम कक्ष में केतोटी इलेक्ट्रॉन अच्छी पिले गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी आम जानी यार अणु संरचना केते पिले 2 8 1 यार परमाणु क्रमांक जेहेतु केते 11 2 8 1 ताले से कौन करिवो पिले गोटे इलेक्ट्रॉन को त्याग करिवो ताले तो योग्यता कौन हे जीवो पिले 1 सेमिति क्लोरीन रो केते अच्छी पिले 17 2 8 7 ताले क्लोरीन कौन करिवो पिले गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिकि जर बाह्यतम कक्ष को केते करिवे चेष्टा करिवो 2 8 8 भाव में तुम कार्बन कार्बन बाह्यतम कक्ष में केत इलेक्ट्रॉन अच्छी 4 से निज बाह्यतम कक्ष को 8 करने को जाए से कौन करिवो पिले हाइड्रोजन सहित सहभाग कले कार्बन रण बाह्यतम कक्ष में सर्वाधिक 8 इलेक्ट्रॉन रही पार लिथियम और सोडियम लिथियम बाह्यतम कक्ष में केतोटी इलेक्ट्रॉन अच्छी पिले गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी तेणुक से कौन करिबो पिले से तार गोटे इलेक्ट्रॉन को त्याग करी कहार अणु संरचना सहित समान चेष्टा करिबो पिले लिथियम परमाणु हीलियम परमाणु संरचन आसवा को चेष्टा करे कहीं हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन संरचना केते थिला पिले 2 तेबे लिथियम कौन करे ना तार बाह्यतम कक्ष में जो गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी त्याग करी से हीलियम परमाणु संरचन आसवा को चेष्टा करे ठीक सेमिति तुमर सोडियम तार बाह्यतम कक्ष में गोटे इलेक्ट्रॉन को त्याग करी से कहार संरचन आसवा को चेष्टा करे पिले से सोडियम परमाणु नियन परमाणु संरचन आसवा को चेष्टा करे एणु से माने बाह्यतम कक्ष रु सहजरे गोटे इलेक्ट्रॉन त्याग करि पारिबे तेणु लिथियम और सोडियम रो योग्यता हे जीव 1 मैग्नेशियम रे देखो पिले बाह्यतम कक्ष रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि पिले 2 इलेक्ट्रॉन अछि आमी योग्यता रे पढिले जार बाह्यतम कक्ष रे 2 इलेक्ट्रॉन थाए से कोन करिवो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करबा पे क्या से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करबा को चेष्टा करिवो तेबे कोन हे जीव पिले 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग करुछि यहाँ कौन कहा जाउछि पिले यहाँ योग्यता बोली कहा जाउछि।
ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ମାଗ୍ନେସିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଆଲୁମିନିୟମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି କହିଲେ ତିନି। ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପାଞ୍ଚଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁକରି ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ତିନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। କ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନର ବାହ୍ୟତମ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇ ସାରଣୀ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, କ୍ଲୋରିନର କ'ଣ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି କହିଲେ ସାତଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି। ସେ ଅକ୍ଟେକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରିବ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସାତଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ତେଣୁକରି କ୍ଲୋରିନର ଯୋଜ୍ୟତା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏକ। ସେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ତାର ପରମାଣୁ କ୍ରମ କେତେ ପିଲେ ଆଠ, ତେବେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଓ ଛଅ। ତାହେଲେ ଅକ୍ଟେକ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ସିଜେନ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ କ'ଣ କରିବ ନା ଛଅଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷକୁ କେତେ କରିବ ପିଲେ ଆଠ। ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆଠ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଆମେ ସାରଣୀ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଠାରୁ ତମେ କୋଉ ପରମାଣୁର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ ସେଟା ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ବୋର୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, କିଏ କହିବ ପିଲେ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଉତ୍ତର କିଏ କହିବ? ବୋର୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ ପିଲେ କୁହ? ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବୋର୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବୋର୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ପିଲେ? ଆସିଯାଇଛି ଉତ୍ତର, କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ? କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି ଛଅ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ପରମାଣୁର ପ୍ରୋଟନ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସହ ପରମାଣୁର ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ଥାଏ, ଏ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଇପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ବସ୍ତୁତ୍ଵ। ପରମାଣୁର ପ୍ରୋଟନ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସହ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ସମାନ ଥାଏ। ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଆଠଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ବିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଯଦି ଆଠଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଟେକ୍ ସ୍ଥିତି। ଅକ୍ଟେକ୍ ସ୍ଥିତି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ତାକୁ ଅକ୍ଟେକ୍ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋଡିୟମ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ସୋଡିୟମ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ କିଏ କହିପାରିବ ପିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମାୟା ବାହାଲ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସୋଡିୟମ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ପିଲେ? ସୋଡିୟମ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଇଯିବ ଆମର ଏକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ପନ୍ଦର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା, ଏଇ ଯୋଉ ପନ୍ଦର ପରମାଣୁ ଥିବା କ୍ରମାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କିଏ ହବ ପିଲେ? ସଂରଚନା ହବନି, ମୌଳିକ କୋଉଠି ହବ ପିଲେ? କୋଉଠି ହବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ନୁହେଁ ପିଲେ। କୋଉ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ପନ୍ଦର? ତାହେଲେ ଆମର ଫସ୍ଫରସର ଏଇ ଯୋଉ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି ପନ୍ଦର। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ପିଲେ କିଏ କହିପାରିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ତମର ଜିରୋ। ସେମିତି ତମ ଏମ୍ ସେଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କେତେ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ କିଏ କହିବ? ଏମ୍ ସେଲ୍ରେ ଟୁ ଏମ୍ ଅପସନ୍ ବି ହଉଛି ତମର ବତିଶ। ସେମିତି ତମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, 283 ଡେସ୍ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା, 283 ଡେସ୍ ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଏହାର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଇଯିବ ଜିରୋ ଏବଂ ଏମ୍ ସେଲ୍ ସାଥି ରହିବ 32। ତେବେ ତମର ନଅ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ 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 ବି
ऑप्शन बी एल्युमिनियम एल्युमिनियम हे जेबो तमर कोन तार परमाणु संरचना होउची 283। निश्चित भाव रे तम मानको आजिर विषयटी बुझा माने बुझी थिबो बोली मु आशा करूची। धन्यवाद।